16वीं लोकसभा के खत्म होते ही देश में आम चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है। नेताओं के भाषण, रैलियां, दौरे अपने चरम पर हैं और इसी के साथ ही आम जनता भी चुनावी मोड में आ चुकी है। आप भी अपने घरों में फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर के जरिए चुनाव को लेकर सारी जानकारियां ले रहे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है जब आज़ाद भारत में पहली बार चुनाव हुए थे तो वो कैसे हुए थे, किस पार्टी को बहुमत मिला था और कैसे चुनाव आयोग ने पहला चुनाव करवाया था। देश के पहले चुनाव से जुड़े कुछ अहम किस्से हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। 1950 में संविधान लागू होने के बाद 1951 में देश में पहली बार आम चुनाव हुए जो 1952 तक चले। अक्टूबर 1951 में आम चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई जो 5 महीने तक चली और फरवरी 1952 में जाकर खत्म हुई। पहली बार जब चुनाव हुए तो 4500 सीटों के लिए वोट डाले गए। इनमें से 489 लोकसभा की और बाकी विधानसभा की सीटें थी। पहले आम चुनाव में 14 राष्ट्रीय पार्टी, 39 राज्य स्तर की पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई थी। इन सभी दलों के कुल 1874 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे थे। राष्ट्रीय पार्टियों में मुख्य तौर पर कांग्रेस, CPI, भारतीय जनसंघ और बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी थी। इसके अलावा भी अकाली दल, फॉरवर्ड ब्लॉक जैसी पार्टियां चुनाव में हिस्सा ले रही थी। अब आपके दिमाग में एक सवाल उभरा होगा कि पहले चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी और किसे बहुमत मिला था। उसका जवाब हम आपको देते हैं। लोकसभा की 489 सीटों में से 364 कांग्रेस के खाते में गई थी, यानी जवाहरलाल नेहरू की अगुवाई में कांग्रेस को संपूर्ण बहुमत मिला था। कांग्रेस के बाद CPI दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी जिसे 16 सीटें मिली। सोशलिस्ट पार्टी को 12 और 37 सीटों पर निर्दलियों ने जीत दर्ज की थी। भारतीय जनसंघ ने 94 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 3 ही सीटें जीत पाई थी। पहले चुनाव के दौरान कुल 17 करोड़ वोटर थे लेकिन मतदान सिर्फ 44% ही हुआ था। चुने गए 489 सांसदों में से 391 सामान्य, 72 SC और 26 ST जाति से थे। तब मतदान करने की उम्र 18 साल नहीं थी, 21 साल से ऊपर के लोगों को ही वोट डालने दिया जाता था। पहले आम चुनाव के समय सुकुमार सेन देश के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तब चुनाव आयोग को भी चुनाव कराने के लिए काफ़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे वोटरों के लिए सड़कें बनवाना, पुल बनवाना, उन्हें समझाना, वोट की अहमियत बताना, ये सारी चीज़ें। और हाँ, तब EVM को लेकर लड़ाई नहीं होती थी क्योंकि ठप्पा लगाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। पहले चुनाव में 2.5 लाख मतदान केंद्र बने, 7.5 लाख बैलेट बुक्स बनाए गए, 3 लाख से ज़्यादा स्याही के पैकेटों का इस्तेमाल हुआ। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग को करीब 16,000 लोगों को अनुबंध के तहत 6 महीने काम पर लगाना पड़ा। तब देश की साक्षरता काफ़ी कम थी इसलिए आयोग की तरफ से गांव-गांव में नुक्कड़ नाटक करवा लोगों को वोट डालने के लिए कहा गया। पहले चुनाव से जुड़े और भी कई किस्से हैं जिन्हें विस्तार से आप हमारी वेबसाइट पर आके पढ़ सकते हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही। चुनाव से जुड़ी और भी कई किस्से और अपडेट के लिए हम फिर आएंगे। आम चुनाव से जुड़ी हर बड़ी और छोटी खबर पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट aajtak.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी मोबाइल ऐप को भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। शुक्रिया।